गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। सदर सांसद रवि किशन ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि यूपी में भाजपा 80 के 80 सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रामराज है, इसलिए इस बार 400 पार सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यह मोदी का चुनाव नहीं है बल्कि एक सुनामी है। इसके सामने 2014 और 2019 सब फेल हो जाएंगे। देश का हर बच्चा, युवा और पहली बार का वोटर सहित मुस्लिम महिलाएं भी भाजपा को वोट करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, महादेव जीत रहे मोदी जी, 80 सीट भारतीय जनता पार्टी की आ रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। ये जो राम राज्य है इसमें 400 पार होगा, यह आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मोदी जी का ये चुनाव नहीं, एक सुनामी है, बहुत ऐतिहासिक सुनामी। 14-19 कुछ नहीं था इसके सामने, ऐसा कार्य हुआ। देश का एक एक बच्चा, युवा, पहली बार का वोटर, महिला, माँ, मुस्लिम महिलाएं इस वक्त तैयार हैं वोटिंग कर। कैंट थाने की पुलिस ने मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालने वाले 8 बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज किया है। आपको बता दें कि इस समय यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, ऐसे में छात्र और छात्राएं रात तक पढ़ाई करते हैं। इसे देखते हुए शासन से भी निर्देश प्राप्त हुआ था कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कहीं डीजे ना बजे और किसी भी प्रकार का शोर ना हो। इसके साथ ही जब छात्र पेपर देने के लिए अपने गार्जियन के साथ जाते हैं तो वे अपने विषय का रिविजन करते हुए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर छात्रों की पढ़ाई में बाधा डाला जा रहा है। इसे देखते हुए कैंट पुलिस ने अभियान चलाकर 10 बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज किया है और लोगों को एक संदेश दिया है कि यदि वे सड़क पर चलना चाहते हैं तो बिना मॉडिफाइड साइलेंसर के वाहन चलाएं नहीं। मारवाड़ी युवा मंच गोरखपुर की उड़ान शाखा, संगरी शाखा और मारवाड़ी युवा मंच ने मिलकर राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने फीता काट कर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया है। उन्होंने स्वयं शिविर में अपनी आँखों का जाँच करवाया। इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मारवाड़ी मंच के लोटस TMT मेडिकल बस में किया गया, जिसमें फिजिशियन, दंत चिकित्सक और आंख के डॉक्टर मौजूद थे। इस शिविर में एक्सरे, ECG और पैथोलॉजी जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी। यह शिविर प्रांतीय महामंत्री श्री नवीन पालडीवाल, पंकज अग्रवाल, प्रांतीय संयोजक कार्यक्रम संचालक नीरज जालान, उड़ान शाखा अध्यक्ष श्रीमती प्रिया अग्रवाल, सचिव मोनिका जालान, संगिनी शाखा अध्यक्ष श्रीमती अल्पना जैन, सचिव शिखा जैन, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष अभिषेक पोद्दार और सचिव मयंक अग्रवाल की देखरेख में हुआ। इस शिविर का लाभ लगभग 500 से अधिक लोगों ने उठाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, एक ऐसी वैन है जिसको अगर आप ये कहें कि बेसिक सारी चीजें, जितनी सुविधाएं हो सकती हैं बेसिक में, वो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से उसमें अवेलेबल है। इवन पैथोलॉजी आपकी, रेडियोलॉजी में भी जो है एक्सरे और ये सारी चीजें हैं, एक्सरे है, ECG है, तो सारे एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन। डेंटल के भी, डेंटल आपने चेयर लगा रखी है इसमें, फिर ऑप्थेल्मिक चेकअप के लिए भी जो है सारा पूरा जो है अलॉन्ग विद वंडोस्कोप एंड एवरीथिंग इज हियर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है ये जो मरीज या जो व्यक्ति आपके सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाता है, शहरों तक नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए ये अगर इसको बून कहा जाए तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा, मतलब इन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है, इतना ही मैं कह सकता हूं। और ये आम जनता के लिए बहुत लाभकारी होगी, स्पेशली गाँव के लिए जहाँ से लोग हम तक पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत बहुत। उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा गोरखपुर पहुंचे। उनके प्रथम आगमन पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा और पल्लू के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का एक निजी लान में भव्य स्वागत किया गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने बताया कि ज्वेलर्स एसोसिएशन की यात्रा पूरे प्रदेश में निकली है। इसके माध्यम से वे पूरे प्रदेश के जिलों में जाकर ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि सभी को संगठित किया जाए। इसके अलावा व्यापारियों के साथ जो लूटपाट हो रही है उसके लिए उन्होंने सरकार से शस्त्र लाइसेंस की मांग की है, जिसकी मांग वे लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों की सुरक्षा करती है, लेकिन व्यापारी कैसे सुरक्षित रहें इसके लिए शस्त्र का लाइसेंस होना आवश्यक है। इसके अलावा स्वर्ण कला बोर्ड की भी मांग
चल रही है। गोरखपुर में नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि नए पदाधिकारी व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार व्यापारियों के हित में कार्य करेगी, हम लोकसभा चुनाव में उसी को वोट देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल गोयल और संरक्षक शरद चंद अग्रहरी ने कहा, देखिए मैं मुकुल वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ज्वेलर्स एसोसिएशन और सहकार समाज। मेरी ये एक यात्रा निकली है जो सभी जिलों में मैं एक बैठक ले रहा हूँ, जिसमें हमारा प्रायोजन है कि सबको एक संगठित करना। इसके अलावा जो व्यापारियों के साथ इस समय लूटमार हो रही है, उसके लिए सस लाइसेंस की हम लोगों ने मांग करी है, जो कि सरकार से निरंतर मांग चल रही है। और मैं चाहता भी हूँ कि व्यापारियों की सुरक्षा तो वो करती है, लेकिन व्यापारी सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए सस लाइसेंस की मांग है। इसके अलावा मैंने स्वर्ण कला बोर्ड की मांग करी है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ प्रयासरत हैं। इसके अलावा गोरखपुर में कुछ नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, जिसमें अशोक वर्मा जी हमारे प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त हुए हैं, शरद चंद अग्रहरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अन्य कई पदाधिकारी हैं। इसके अलावा हम लोगों की यात्रा का मेन उद्देश्य और ये भी है कि हम लोग आगे चल के व्यापारी हित के लिए जो भी सरकार से मांग होगी और जो व्यापारियों के लिए कार्य करेगा, हम लोग आगे चल के उसी को वोट देंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में व्यापारी वर्ग बड़ा महत्वपूर्ण योगदान डालते हैं, किस तरह जाएगा? यही तो मुझे ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला व्यापारी है। उसके बाद भी व्यापारी हित की लड़ाई के लिए कभी ना कहीं हम लोगों की अनसुनी होती है, तो इस बार व्यापारियों ने यह ठान लिया है कि जो सरकार व्यापारी सुनेगा उसी को वोट देंगे। क्या व्यापारी? देखिए मैंने पहले भी कहा है कि व्यापारी हित के लिए जो लड़ेगा उसी को वोट देंगे, और चुनाव भी लड़वाएंगे उसी को जो हित करेगा। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में शरद अग्रहरी जी, अशोक वर्मा जी, अन्य सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। तात्पर्य गोरखपुर आना या हर जिलों में सिर्फ यही है, जैसा कि भाई साहब ने कहा, कि व्यापारिक समाज के लिए कुछ ना कुछ सरकार को सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा राजस्व, सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी समाज देता है, और हम व्यापारियों के लिए मुझे लगता है सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, किसी भी व्यापारी को अभी तक कोई ना तो टिकट, ना कोई ऐसा पदभार किसी भी क्षेत्र में मिला है जिससे वो अपनी व्यापारी समाज की हितों की रक्षा कर सके। आए दिन ज्वेलर्स भाइयों पे लूटमार, कहीं कुछ होता रहता है, लेकिन उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम व्यापारी समाज के पास इतनी ताकत नहीं दी है उन्होंने कि हम लोग ऊपर आवाज़ उठा सके। अब गोरखपुर में मुझे पूरा विश्वास है कि शरद जी के नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व हमेशा इनके साथ रहेगा, और इनका साथ जब हम लोगों को मिलेगा तो गोरखपुर की नहीं पूरे प्रदेश की हर लड़ाई में हम लोग आगे से आगे कामयाब रहेंगे। ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुकुल वर्मा जी हम लोगों के बीच में गोरखपुर आए हुए हैं और एक सद्भावना रैली चला रहे हैं व्यापारियों को जागरूक करने के लिए, और ये गोरखपुर वासियों के लिए एक परम सौभाग्य है। और ये मुकुल वर्मा जी बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं, और अब ये पूरे प्रदेश में हर जिले में निरंतर प्रयास कर रहे हैं सबको, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और व्यापारिक समस्याओं के लिए ये हमेशा लड़ते आते हैं। और आज इन्होंने मुझे यहाँ पे गोरखपुर का एक अध्यक्ष हमें नियुक्त किया है और एक जिम्मेवारी दी है, उसके प्रति मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इनके निर्देश में जो भी सराफा बंधुओं की समस्याएँ होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, इनके नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। और रहा कोई राजनीतिक मामला और चुनाव का मामला है, तो हम लोग अपने केंद्रीय सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का भी सहभागिता न राजनीति में होना चाहिए, व्यापारिक समाज को भी इसका नेतृत्व मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और आपके केंद्र में मोदी जी का सरकार है, और हम व्यापारी लोग भाजपा से तन मन धन से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसलिए हमारी जो समस्या होगी इनसे हम लोग मांग करेंगे, और हम केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि हमारे भी समाज के लोगों को केंद्र नेतृत्व का एक मौका दिया जाए, और इन लोगों को सांसद का टिकट किसी भी तरह से किसी भी जिले से हमारे समाज के लोगों को दिया जाए। मेरा नाम शरद चंद अग्रहरी है और मैं यहाँ का सराफा मंडल का 16 साल अध्यक्ष भी रहा हूँ, और वर्तमान में मैं यहाँ का संरक्षण